welcome back to my YouTube channel, Spread Happiness with Aditi, and this is Aditi Saxena Sehgal. Before moving on, I would like to thanks to all of you for giving so much love to my channel and to my videos. And now it's time to begin today's video. So today my topic is how to take quick and better decision. क्योंकि लाइफ में ऐसे मोड़ आते रहते हैं जब आपको राइट डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कन्फ्यूजन भी उस टाइम पे फुल ऑन होता है. राइट डिसीजन लेना आपके लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही क्विकली भी लेना है, क्योंकि कभी कभी हम डिसीजन लेते लेते समय को गंवा देते हैं. तो हाउ टू टेक क्विक एंड राइट डिसीजन, आज मैं आपको 5 स्टेप्स के अंदर ये सजेशन देने वाली हूँ. पॉइंट नंबर 1, रिसर्च. जी हाँ, जो भी आपका मैटर है, जो भी जिसने भी आपको डिसीजन लेना है, उसके थ्रू आउट नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. और इस रिसर्च पॉइंट्स में भी कुछ सब पॉइंट्स आते हैं. नंबर 1, कलेक्ट इन्फो. इन पर्सन जाइए. अगर ऐसा कोई मैटर है जिसमें आप इन पर्सन जा सकते हैं तो आपको इन पर्सन वहाँ पर जाकर देखना है, गूगल सर्च करनी है, जैसे भी आपको मिलती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने उस डिसीजन को लेकर. बी पॉइंट, बात करिए. जब आप बात करेंगे एक्सपीरियंस होल्डर लोगों से जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना है, सो दो टाइप के लोग आपको मिलेंगे, एक तो बैड एक्सपीरियंस होल्डर और एक गुड एक्सपीरियंस होल्डर. बैड एक्सपीरियंस होल्डर और गुड एक्सपीरियंस होल्डर दोनों से आपको बात करनी है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होके कि इसके संग इस डिसीजन को लेकर बुरा हुआ है तो इसके जो बातें होंगी वो होंगी ही रोने वाली. तो आपको अपना मुराल डाउन नहीं करना है, सिर्फ उससे तब तक बातें करनी है जब तक आपको ये मालूम ना पड़ जाए कि उसने कौन सी गलती करी जो आपको रिपीट नहीं करनी है. यानी कि बैड एक्सपीरियंस होल्डर से सिर्फ आपको लेसन्स लेने हैं और गुड एक्सपीरियंस होल्डर से आपको ज़्यादा बात करनी है. एक तो आपके कॉन्फिडेंस और मोरल को भी वो हाई करेंगे और दूसरे उनसे आपको एडवाइस लेनी है और काफ़ी सारे सजेशंस लेने हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया या किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप बढ़े. अगर आपको मिलता है उनको अपने एक्सपीरियंस से आया, अगर वो एक्सपीरियंस आपको कुछ ही घंटों में कुछ ही पलों में मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं होता है पूछने में. तो आपको गुड एक्सपीरियंस होल्डर बैड एक्सपीरियंस होल्डर दोनों से बात करनी है, ज़्यादा गुड एक्सपीरियंस होल्डर से बात करनी है और बैड एक्सपीरियंस होल्डर के लेसन्स लेने हैं. सी पॉइंट, रिसर्च पॉइंट का ही सी पॉइंट है, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको देखना है आर यू फिनेंशियली केपेबल और स्ट्रॉन्ग कि आपको डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम सोच लेते हैं इम्प्रैक्टिकल होकर कि कुछ नहीं हो तो सब अपने आप हो जाएगा. नो, क्या आप फाइनेंशियली उस डिसीजन को उसके लिए हो, केपेबल हो, ले सकते हो? सो गो अहेड. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, रिसर्च. सेकंड पॉइंट इज एनालाइज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपका मैटर है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस बारे में भी आपको डिसीजन लेना है, उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो कितनी आपको प्रॉफिट होगा, क्या आपकी ज़िंदगी होगी, क्या कैसा हो सकता है, वो सब आप सोचिए. क्योंकि हो सकता है कि कोई फ़र्क ही ना पड़ना हो उस डिसीजन को लेकर भी, तो आपको ज़रूरी है कि उसके बेस्ट केस को भी आपको देखना है कि आपने अगर डिसीजन ये ले लिया तो आपको कितना फ़ायदा होगा या फिर कितनी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. उसके वर्स्ट केस को भी देखना है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ बेस्ट केस को देख के चले जाते हैं उस डिसीजन को लेकर और सोचते हैं कि सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन नहीं. क्या हम उसके वर्स्ट केस के लिए तैयार हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, फैमिली बेस पे, सब तरीके से? क्या हम उस प्लान के फेल होने पर भी तैयार हैं? ये भी आपको देखना है. तो पॉइंट नंबर 1, रिसर्च. पॉइंट नंबर 2, एनालाइज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ऑफ योर मैटर. सो पॉइंट नंबर 3, आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन डिसाइड करनी है. मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि अब मुझे अपनी आर्ट फील्ड में जाना, आई डोंट थिंक सो आई एम फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन जिसमें आप ऑलरेडी अभी हैं, लेकिन नहीं, मुझे लाइन चेंज करनी है. तो उसमें आपको एक टाइमलाइन देनी होगी खुद को
कि मैं अपनी लाइफ के 4 महीने या 5 महीने इस चीज को दे देता हूँ पूरा 100%। नहीं हुआ तो मैं उसके पीछे लगा नहीं रहूंगा, जिंदगी नहीं लगा दूंगा, बल्कि स्टेप बैक लेकर और फील्ड में ट्राई करना है या फिर एनीथिंग। अगर वो चीज आपकी इस तरीके की है तो आपको टाइमलाइन डिसाइड करना जरूरी है। दो टाइप से टाइमलाइन पेज डिसाइड होंगी, एक तो रिलेटेड टू योर वर्क है तो पर्टिकुलर टाइम दीजिए, अगर तो रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप है तो आप टाइम दीजिए उस रिलेशनशिप को, दिन में 1 घंटा 2 घंटे उसमें निकालिए, जानिए उस पर्सन के बारे में, उससे बात करिए। अगर कोई प्रॉब्लम का डिसीजन लेना है तो उस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए, बट यू हैव टू टेक टाइम फॉर दैट, एंड फॉर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज टाइम लाइन अबाउट योर प्रॉब्लम और अबाउट योर मैटर। सो पॉइंट नंबर 3 इज टाइम लाइन। पॉइंट नंबर 4 प्लानिंग। देखिए अभी तक जो आपने किया वो भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, पर उसे आप अपनी मैटर की प्री प्लानिंग कह सकते हैं। डिसीजन ले रहे हो येस और नो, बट इफ योर आंसर इज येस तो अब आपको प्लान करना शुरू कर देना चाहिए कि किससे आपको हेल्प लेनी है, कैसे करना है, बिकॉज यू हैव थ्रू आउट नॉलेज अबाउट योर मैटर अबाउट योर डिसीजन। तो अब आपको अकॉर्डिंगली राइट डिरेक्शन में प्लानिंग करनी है। 100% डेडिकेशन, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा मैटर लग रहा है वो डिसीजन, दैट सिंपली मीन्स कि वो डेडिकेशन भी चाहता है। आलस नहीं करना है उस जगह पर उस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये लॉकडाउन ऑलरेडी हमें काफी आलसी बना चुका है। सो डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं अबाउट एनीथिंग। सो पॉइंट नंबर 5 इज डेडिकेशन। वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू से कि आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर लगी है तो क्या करना है आई डोंट नीड टू से, क्योंकि आपका सपोर्ट ऑलरेडी इतना मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई ऑल वीडियोज एंड कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। दिस इज अदिति सक्सेना सहगल।